फ्रेंड जैसे ही मौसम चेंज होता है सर्दी खांसी फ्लू का इन्फेक्शन होना बहुत आम बात है लेकिन ये समस्या ठीक होने में काफ़ी वक्त लेती हैं कई बार तो ये आप जितने भी होम रेमेडीज़ करते हैं वो उसका भी असर नहीं होता तो जो कोल्ड वायरस थर्टी सेवन डिग्री पर आ, जब कम तापमान होता है तो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है और जैसे ही मौसम चेंज होता है आपको ये सर्दी खांसी और फ्लू का इन्फेक्शन हो जाता है फिर आपको खांसी आती है गाढ़ा गाढ़ा कफ आता है और आप समझ नहीं पाते कि इसके लिए क्या किया जाए तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए वही आज इस वीडियो में बता रहे हैं कि जब भी मौसम चेंज होता है तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान देनी है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो जो इन्फेक्शन होता है उसको अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो होने से बचा जा सकता है जैसे कि कुछ अपने खाने पीने की बातों को ध्यान में रखें दिन भर में खूब सारा पानी पीना है पानी को उबाल कर पिए तो इससे आपको इन्फेक्शन कम होने का खतरा रहता है कम से कम छः से सात गिलास पानी लिक्विड लेना है लहसुन और मिर्ची को भोजन में शामिल करें क्योंकि लहसुन की तासीर जो होती है गर्म होती है साथ ही एंटीबैक्टीरियल होती है जो कि बदलते मौसम में आपको इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है मिर्च में कैप्सिकल नामक तत्व होता है जो कि आपके किसी भी तरह के इन्फेक्शन को रोकने में काफ़ी मददगार होता है तो इनको अपने भोजन में शामिल करना है जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम है नेजल में प्रॉब्लम रहती है एलर्जी है या किसी तरह का इन्फेक्शन होता है इन सभी में जो मिर्ची उन सबको रोकने में सहायक होती है कंजक्शन को ठीक करने में मदद करती है साथ ही नेक्स्ट है विटामिन सी युक्त फल सब्जियां आपको लेनी है मशरूम नींबू सेहत को अपनी डाइट में शामिल करना है तो इन सभी चीज़ों को अपनी डाइट में जैसे ही मौसम चेंज होने वाला हो सीजन चेंज होने वाला हो आपको कर लेना चाहिए तो इससे जो आपको बार बार मौसम चेंज होने पर जो खांसी फ्लू की समस्या हो जाती है वो नहीं होगी नेक्स्ट है जिंक युक्त बोझ पदार्थ अपने को डाइट में शामिल करना है आप रेड मीट ले सकते हैं अंडा दही साबुत अनाज को शामिल कर सकते हैं अगर आप मांसाहारी हैं तो चिकन सूप यूज़ कर सकते हैं इससे इम्यून सिस्टम आ, मजबूत होता है जो कि आ, आपके कफ से लड़ने में आपकी मदद करता है इसके अलावा अगर आपको आ, सर्दी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं तो कुछ घरेलू उपाय हैं जिनको आप अपना सकते हैं जो कि आपके बदलते मौसम में जो खांसी हो जाती है उससे राहत देने के लिए काफ़ी कारगर होते हैं तो आप इनको जरूर करें और अगर आपको इन सभी उपायों से फ़ायदा नहीं मिलता है और आपको चार से पाँच दिन हो जाते हैं कोई आ, उसका लाभ नहीं होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से दिखाना है वो कौन कौन से सिम्टम हैं जब आपको डॉक्टर के पास जाना है वो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी तो वीडियो को पूरा जरूर देखें तो जब भी मौसम बदलता है सर्दी जो सर्दी खांसी है वो आपको परेशान करने लगती है तो ऐसे में आपको जो दादी नानी के टाइम से चले आ रहे हैं घरेलू नुस्खे हैं वो ले नहीं चाहिए और लेकिन लोगों को इसकी सही से जानकारी नहीं होती है इसलिए वो असर भी नहीं करते हैं तो सबसे पहला होता है खांसी को दूर भगाने के लिए आपको गर्म पानी का सेवन करना है और उसमें नमक डाल लेना है नमक डाल के आप गरारे भी कर सकते हैं और इसको लिए आपको एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक लेना है और गरारे करना है तो ये आपके गले के दर्द से आपको राहत देता है सूजन कम करता है कफ को ढीला करता है और आपको जो तकलीफ होती है गले में उससे काफ़ी आराम पहुंचता है और आपको दिन भर में जितना भी पानी पीना है वो भी आपको गर्म लेना है ताकि जो कफ़ है वो आपके गले में से जो चिप, चिपक चिपक जाता है वो चिपकेगा नहीं और निकल जाएगा दूसरा होता है शहद का इस्तेमाल आपको करना है तो शहद बहुत ही हल्का और पौष्टिक होता है इसको आपको लेना है आधा चम्मच और उसमें एक चुटकी इलायची डालनी है और कुछ नींबू की बूंदें डालकर तो शहद का इस्तेमाल आपको करना है और इस मिश्रण को आपको दो से तीन बार लेना है तो ये खांसी की रामबाड़ दवा है और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको खांसी लगातार चलती रहती है तो लहसुन भी आपकी खांसी में राहत दिलाने के लिए काफ़ी कारगर होता है लहसुन को घी भूज कर आपको गर्मगहा गर्म खाना है उसको ठंडा नहीं होने देना है तुरंत खा लेना है तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है इसके अलावा आप ले सकते हैं अदरक का जूस और शहद इन दोनों को मिलाकर आप इसकी चटनी जैसा बनाकर ले सकते हैं ये भी खांसी के लिए बहुत अच्छा होता है खांसी से राहत पाने के लिए आंवला भी बहुत अच्छा नुस्खा होता है तो आंवला में जो विटामिन सी होता है ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करता है और इसे खाने से आपके जो एंटी का सोर्स है वो बढ़ जाता है और इम्यूनिटी भी आपकी अच्छी हो जाती है तो ये इस तरह के होने वाले इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं वैसे भी आप रेगुलर आंवला जूस और एलोवेरा जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं कोई साइड इफेक्ट इसके नहीं है तो अब हम बात कर लेते हैं वो कौन से सिम्टम्स हैं जब आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है अगर इन सभी चीज़ों से आपको आराम नहीं मिलता है नंबर वन है कि अगर आपका जो कफ है या नाक से जो निकलने वाला नाक है वो पीले रंग का हो गया है और और निगलने नहीं निगल भी नहीं रहा है बाहर भी नहीं निकल रहा है तो आपको डॉक्टर से देख दिखवाना है दूसरा है सांस लेने में अगर आपको तकलीफ हो रही है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है उपाय करने के बाद भी आपको बुखार आ रहा है दो से तीन दिन से ज़्यादा टाइम हो गया है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए सिर कान और मसूड़ों में तेज दर्द हो तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है तो ये सभी जानकारी आई होप आपको अच्छी लगी होगी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब